हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? राधे राधे। तो गाइस, आजकल म्यूजिक हर कोई बनाना चाहता है, जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आपको म्यूजिक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अब आप यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई हम कोई प्रोफेशनल जो है एक प्रोग्रामर नहीं है कि जो हम म्यूजिक बना सके, या हम कोई एक म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अपने म्यूजिक चाहिए होते हैं। एज अ बहुत जगह यूज़ होते हैं म्यूजिक, आपको पता है अच्छी तरह। कुछ गूगल नॉलेज पैनल बनाने के लिए करते हैं यूज़, कुछ करते हैं अपने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अगर बोलूँ, अगर आपको बिल्कुल भी म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है, आपको ए टू जेड 0% म्यूज़िक बनाना नहीं आता है, तो मैं इन केस अगर ये बोलूँ कि आप फिर भी म्यूज़िक बना सकते हो, वो भी आपका अपना ओरिजिनल म्यूज़िक होगा, तो कैसा हो? तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जो ऐसी वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए, आप लोगों के सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर ऐसा आपको म्यूज़िक बनाना है बिना किसी को पैसे दिए हुए, जैसे कि आपको पता है कि हम म्यूज़िक बनाते हैं, जिनको म्यूज़िक नहीं आता है वो पैसे देकर म्यूज़िक बनाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही, या अपने मोबाइल टैबलेट से, या आप अपने डेस्कटॉप से खुद का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं पावर्ड बाय AI, यानी कि AI भूमि कॉरपोरेशन जो एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसका AI बेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है म्यूजिक बना सकते हो गाइज। और अगर मैं ये भी कहूँ आपके लिए एक और सरप्राइज की, ये म्यूजिक बनाने के साथ साथ यहाँ पर आप अपना खुद का म्यूजिक बनाने के साथ साथ यहाँ पर गाने भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपके हर प्लेटफॉर्म पर भी गाना डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, तो कैसा हो? मतलब एक 1 बाय 1 गेट फ्री, मतलब यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आपका म्यूजिक बना कर दे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिल जाती है कि भाई आपके गाने भी डिस्ट्रीब्यूट करवा के देते हैं ऑनलाइन स्टोर तक, जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन वगैरह पे। तो और क्या चाहिए यार, बल्ले बल्ले। तो ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल फ्री, और सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो चैनल को। और मैं बताने वाला हूँ आपको कि भूमि जो वेबसाइट है इसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे क्रिएट करें, जैसे कि मैंने बताया है कि पावर्ड बाय AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है यहाँ पर ये गाना क्रिएट करता है। आप अपने गाने क्रिएट कर सकते हो, और जिस टाइप की भी मर्जी चाहे, चाहे किस टाइप के भी कैटेगरी क्यों ना हो, उस कैटेगरी के गाने को आप बना सकते हैं और इजी से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप ले जाऊँगा, हालांकि मैं आपको मोबाइल पर भी बता सकता हूँ, बट कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेस्कटॉप पर सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना गाना उसी वेबसाइट के अंदर से ही, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे वेबसाइट, मतलब मेरे डेस्कटॉप पर चलिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर है अपनी वेबसाइट पर, यहाँ देख सकते हैं ये है bhoomi.com, इसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा मैं, तो आप भूमि भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है गाइज, यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम रहेगा अकाउंट क्रिएट करने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल को, सिंपल से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और यहाँ से नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिएगा अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो। तो चलिए जी आते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं गूगल से। तो जैसे हम चाहते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट साइन इन करें फेसबुक या गूगल के थ्रू, यहाँ तो आप लॉगिन करके जो है डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, या अदरवाइज साइन अप करके आप क्रिएट कर सकते हैं नया अकाउंट। तो फिलहाल मैं साइन इन करूँगा गूगल से ही। तो साइन इन करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सेस देना होता है, ध्यान दें, जिस जीमेल आईडी से आपने लॉगिन करा हो उसका नाम सेम आपके आर्टिस्ट के नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी दे दी है, राइट। तो हम करते हैं इसको लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नाम भी आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर जैसे नाम वगैरह चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम वगैरह सब मेंशन हो रहा है। ये नाम मेरा इसलिए मेंशन हो रहा है क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी, सॉरी गूगल आईडी पर यही वाला नाम था, इसलिए यहाँ पर ये हुआ। अगर आपका नाम ये शो नहीं हो रहा है, कुछ और नाम से बनाया है, तो आप उससे मत करिएगा लॉगिन, आप साइनअप करके डायरेक्टली जो है अपने नाम, जो नाम आप चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम चेंज करने का ऑप्शन भी होगा, तो यहाँ पर भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपको प्रीफेयर लगता है आप वो कर सकते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर गाइज क्या होता है कि क्रिएट करना होता है एक सॉन्ग। पहले तो मैं आपको होम पेज ले जाता हूँ यहाँ पर, और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका। जो भूमि है ये बनाया है इसलिए गया है कि जो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है ये, यहाँ पर आपको जो है ये गाना ऑटोमेटिक बना के देता है। आपको बस अपनी जेनरिक सेलेक्ट करनी होती है कि आप कौन से जेनरिक में बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पहले चलिए एक काम करते हैं कि गाना क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है सॉन्ग, ठीक है, तो सॉन्ग पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गाइस कि किस टाइप का जो है गाना बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक डांस, लॉफी। लॉफी भी बनाता है ये, देखिए यहाँ पर नीचे सैंपल भी दे रखे हैं प्रीव्यू। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू से प्ले कर सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे प्रीव्यू हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आप रैप बीट बना रहे हैं तो हम रैप बीट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रैप बीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे सेक योर बूमी रैप में है, बूमी रैप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। R&B में भी है, तो हम फॉर एग्जांपल ये वाला जेनरिक सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सॉन्ग क्रिएट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। और आपको बता दूं गाइस कि आप यहाँ पर इनके वोकल का इस्तेमाल, अगर आपके फ़ोन में माइक है या आपके PC डेस्कटॉप में माइक है, माइक अगर आपने लगा रखा है तो माइक का यूज़ करके आप इसके ऊपर गाना भी सिंग कर सकते हैं, और उसको जो है ऑटोमेटिक ये गाना बना के तैयार करके देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर R&B वाला जो जेनरिक सेलेक्ट करके किया, और हमें थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये गाना बना रहा है। तो गाइज ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये कंपोजिशन करना शुरू कर दिया इसने। ये हमारा थोड़ा सैंपल है जो इसने गाना बना के तैयार किया है, यहाँ सुनते हैं इसको। ये सुन रहे हैं गाइस कि यहाँ पर ये गाना प्ले हो रहा है, ये जो है इसने बनाया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो कंपोजिशन है, आप इसमें कंपोजिशन एडिट कर सकते हैं। अगर वोकल चाहिए यहाँ पर ऐड वोकल पे क्लिक करके, अगर आपने माइक सेट किया हुआ है तो माइक सेट करके जो है आप गाना गा सकते हैं इसी म्यूजिक के ऊपर, और उसको भी बना के तैयार करके देगा ये। फिलहाल के लिए मैं वोकल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और यहाँ पर एडिट कंपोजिशन आप रीराइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रीराइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप अपना टेम्पो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप टेम्पो चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल 90 टेम्पो रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने करा। थोड़ा डेंसिटी जो है मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसका, बेस की जो भी है यहाँ पर बेस डेंसिटी भी मैं आगे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। कोर डेंसिटी जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, ड्रम डेंसिटी मैं थोड़ा कम करना कोशिश करूँगा, और यहाँ पर रीराइट सॉन्ग पे क्लिक कर देंगे हम सीधे। अब देखिए ये कंपोजिशन कर रहा है, इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, बना रहा है यहाँ पर ये, थोड़ा वेट करेंगे। बहुत ही एडवांस टूल है गाइस। और दूसरी खास चीज़ इसमें ये मिल जाती है आपको कि भाई आप यहीं से जो है गाने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, आपको अदर्स डिस्ट्रीब्यूटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे यहाँ से गाना बनाया, ठीक है, और यहीं से गाना आपने रिलीज़ करने के लिए भेज दिया। तो इसके अलावा आप यहाँ जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर न्यू सॉन्ग न्यू आर्टिस्ट लिखा हुआ है, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर न्यू कॉम्पोजिशन है जो 90 की BPM में इसने बनाया है। तो 90 के BPM में इस गाने को तैयार कर दिया इसने। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं, हमने ये सॉन्ग की लाइब्रेरी बना दी है, मतलब हमने ये सॉन्ग तैयार कर दिया है। पहले एक लाइब्रेरी बनाना था, जैसे कि सॉन्ग क्रिएट करना होता है इसी को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब न्यू सॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। सॉन्ग का टाइटल फॉर एग्जांपल दे देते हैं हम कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ दीवाना एग्जाम्पल के लिए। आर्टिस्ट नेम में आपको आर्टिस्ट नेम डालना है, जैसे मैंने आर्टिस्ट नेम डाल दिया अपना, और यहाँ पर टैग देना है, टैग मैं दे देता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पर सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं हम। तो ये हमने यहाँ पर लगभग सारा काम कर चुके हैं, हमें यहाँ पर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो प्रोडक्शन भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चुन के कि आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं। अकॉस्टिक गिटार का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिल कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। ड्रम में यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस तरह का ड्रम चाहिए, EDM, आप अपने हिसाब से मैनेज करके जो है इसको और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ, ऑल इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ से लड़के, ड्रम में मैं जो है EDM का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और मिक्सिंग में यहाँ पर कह रहा है कि सुपर चेन ऑडियो ए वर्क कैसे आपको वो चाहिए, तो मैं जैसे ऑडियो ए पे कर देता हूँ और स्विफ्ट चेन पे क्लिक करते हूँ। अब ये कर रहा है इसको प्रोड्यूस, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वीडियो बनाई है तो पूरा आपको प्रोसेस मैं बताऊँगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है गाइस, प्रोडक्शन भी इन्होंने जो है कंप्लीट कर दिया है। अब प्रोडक्शन करने के बाद जो है यहाँ पर ये प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए गाइस यहाँ पर हमने EDM सेलेक्ट किया था, और इसने EDM का इस्तेमाल करके जो है म्यूजिक तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर जो है ये म्यूजिक तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम सेव चेंज कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं पहले सॉन्ग को जो हमने बनाया है,
ठीक है, यहाँ पे हमने आर्टिस्ट का नेम देना है, सॉन्ग का नाम देना है, पहले यहाँ पर मैंने दे दिया दीवाना, आर्टिस्ट का नेम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद टैग्स में हमने अपना आर्टिस्ट का टैग दे दिया है, या सॉन्ग का टैग दे सकते हो आप चाहे तो जो बहुत सारे टैग्स दे सकते हो, सिर्फ चेंज पे क्लिक कर देते हैं हम लोग, ठीक है हमारा ये कंप्लीट। अब हम चाहते हैं कि सॉन्ग को रिलीज़ करना, ये तो हमारा सॉन्ग कम्प्लीटली एक तरफ से आप बोलो तो हमारी लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, ठीक है हमारा गाना बन चुका है, यहाँ पर आप दे सकते हो, दोनों बार एडिट करी मैंने इसलिए दो सेलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमारे जो सॉन्ग जो है तैयार हो गया। अब रिलीज़ करना है, रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर आपने क्रिएट क्लिक करना है, रिलीज़ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कवर एल्बम सब डालना है, फॉर एग्जांपल के लिए एल्बम आर्ट के लिए मैंने गाइस यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इसको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाया, ठीक है एग्जांपल के लिए मैंने ये सेलेक्ट करके दिखाया आपको। और यहाँ पर समझ लीजिए हमने कवर आर्ट सेलेक्ट कर बिल्कुल अपलोड मार दिया है। यहाँ पर आपने अपने सॉन्ग का जो है एल्बम का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दीवाना, और उसके बाद यहाँ न्यू रिलीज टाइटल देना है, यहाँ टाइटल पे भी आपने दे देना है दीवाना, और आर्टिस्ट का नेम लिखना है आपने जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जेनरिक सेलेक्ट करना है, जो भी आपके गाने की जेनरिक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मैं इंडी रॉक सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और लिरिक्स में अगर आपके पास लिरिक्स से कंटिन्यू चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको जो सॉन्ग आपने बनाया वो सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने जैसे एग्जांपल ये सॉन्ग बनाया तो मैंने सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद सिंपल से आपने कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है, यहाँ से टीम रिव्यू करेगी भूमि की, और जैसे ही उनको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट म्यूज़िक है, उसके बाद आपके रिलीजेस जो है ये यहाँ पर भेजेंगी। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए द रिलीज विल बी सबमिट स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक यूट्यूब टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम पंडोरा अमेजन गूगल म्यूजिक सैजम एंड मोर पे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग का नाम आ जाएगा, जहाँ जहाँ ये सबमिट करेंगे आपके म्यूजिक को। तो बहुत बेस्ट तरीका है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको कोई नॉलेज चाहिए म्यूज़िक की, आपका म्यूज़िक सीधे तैयार और आपके हाथ में, ठीक है जी। तो सबमिट पे रिव्यू करते ही मैं भेज दूंगा इसको, लेकिन अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं भेजना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था, समझा रहा था, सिखा रहा था। तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल को, आई होप कि अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, धन्यवाद।